तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की संगठन की ये बड़ी बैठक है। जेपी नड्डा आपको इसमें नजर आ रहे हैं, संगठन से जुड़े पदाधिकारी हैं वो सभी इस बैठक में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं इस बैठक में, क्योंकि यही माना जा रहा था कि कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में पहुंच सकते हैं। ये बाकायदा एक कार्यशाला है और इस कार्यशाला में पदाधिकारियों को क्या कुछ सिखाया जाता है, क्या निर्देशित किया जाता है और क्या प्लानिंग यहाँ संगठन की रहती है, क्या फेरबदल भी किया जाएगा संगठनात्मक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये आज भी बैठक है और कल भी बैठक होने वाली है। आज की बैठक कई घंटों की रहने वाली है और कई घंटों की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा आपको नजर आ रहे हैं, संगठन से जुड़े तमाम ये पदाधिकारी हैं, प्रभारी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं राज्यों के। इस बैठक में सभी मौजूद है और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे तो जेपी नड्डा ने उन्हें एक फूल भेंट किया था, उनका स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर इस बैठक में पहुंच गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से क्या मैसेज इन सभी को देते हैं, क्या कोई नया टास्क दिया जाएगा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, क्या कुछ नया टास्क भारतीय जनता पार्टी का रहने वाला है। संगठन कहते हैं कि संगठन जिसका मजबूत है वो पार्टी मजबूत है, क्योंकि संगठन पार्टी की रीढ़ होता है। यहाँ पर संगठन के दम पर, संगठनात्मक गतिविधियों के दम पर भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर मौजूद है, मजबूत है। दीप प्रज्वलन के साथ इस बैठक की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। सभी मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बैठक में उपस्थित हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर ये भाजपा की बड़ी बैठक है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटियों को आगे लेकर चल रही है तो दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर विपक्ष की रणनीति को कैसे काउंटर करना है, क्योंकि विपक्ष भी धरातल पर सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आ रहा है तमाम मुद्दों को लेकर। तो क्या काट निकाली जाएगी विपक्ष के मुद्दों की, यहां से क्या पार्टी लाइन की तरफ से कुछ नई बात कही जाती है, कौन सा मुख्य एजेंडा रहेगा, इस पर भी हर किसी की नजर है, खासतौर पर विपक्ष की, क्योंकि एक तरफ संसद के भीतर सुरक्षा में सेंध को लेकर विपक्ष मुखर नजर आ रहा है, लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव से जोड़ते हुए भी उसे देखा जा रहा है। अश्वनी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। अश्वनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं, अब औपचारिक तौर पर इस बैठक की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में पहुंचे हैं, उससे पहले हालांकि बैठक, अश्वनी आवाज मिल पा रही है आपको, पहुंचे हैं उससे पहले हालांकि बैठक शुरू हो गई थी जितने, चलिए एक बार फिर से अश्वनी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए। अश्वनी मेरी आवाज अगर पहुंच पा रही हो तो बताइएगा जरा, आप प्रधानमंत्री मोदी तो पहुंच गए हैं, दीप प्रज्वलन भी हो चुका है, तो क्या बैठक की शुरुआत माने? बिल्कुल, बैठक की शुरुआत हो गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है। पहले हॉल से बाहर जैसे ही परमिसेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, राष्ट्राध्यक्ष जेपी नड्डा ने दुपट्टा पहनाकर और फूल देकर उनका स्वागत किया। उसके बाद मंच पर भी उनका स्वागत किया गया है, प्रधानमंत्री बैठक में मौजूद हैं, बैठक शुरू है। हालांकि उससे पहले ही जितने राज्यों के, अलग अलग राज्यों के जो पदाधिकारी और नेता बुलाए गए थे उनकी बैठक शुरू हो चुकी थी, पर औपचारिक बैठक की माने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन कर दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन भाषण देंगे। देश भर में भाजपा ने जीत जहाँ दर्ज की है, उसके लिए उन पदाधिकारियों को जिन्होंने मेहनत की, उन नेताओं को जिन्होंने जीत में अपना योगदान दिया, उसके लिए बधाई दे सकते हैं। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में उन्हें किस तरह एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करना है, और साथ ही लगातार जिस तरह भाजपा राष्ट्रीय हित को लेकर अग्रेसिव रहती है, उसको लेकर बातचीत हो सकती है कि कैसे राष्ट्र हित का जो मुद्दा है वो आगे रखना है, हर आम मतदाता तक पहुँचाना है, और कैसे लोकसभा में फिर से भाजपा को बहुमत लाना है, इसको लेकर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी संबोधन देंगे। ठीक है अश्वनी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी।